वर्षा की मैरिज हो रही है और वो दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो जाएगी आपको इसलिए अब तुमसे बात और उसे करनी भी नहीं चाहिए अब उसकी लाइफ कहीं और सेटल हो रही है तो तुमसे बात करके क्या करेगी। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा उनको फिकर थी। क्या हुआ महर्षि को ला रही है क्या? हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शरका होस्ट और आपका दोस्त फिर से एक वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपकी बहुत डिमांड आ रही थी ना, व्हाट्सएप प्रैंक करो, व्हाट्सएप प्रैंक करो। तो व्हाट्सएप पे तो नहीं, उनकी बहन पे प्रैंक करने जा रहा हूं। रात में कॉल आया था उनकी सिस्टर का कि बोलती है कौसर मिलना है, उससे कुछ बातें करनी है। तो मैं कह रहा आओ प्रैंक करते हैं सही वाला। तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूं, उनको बुला लेता हूं, ठीक है ना, पूछ लेता हूं। ऐसे तो कहा था, बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं 5 मिनट पहुँचने वाली हूँ। तुम्हें पता है भैया, गर्लफ्रेंड की बहन है, झेलना पड़ेगा तुम्हें। व्हाट्सएप सिस्टर हेलो हेलो। हाँ दीदी, कहाँ? हाँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ। मैंने लाइव लोकेशन सेंड किया था ना, वहीं बैठा हूँ आधे घंटे से। आपने कहा था पहले 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। भाई जैसे ना बहन की आवाज़ है ना, वैसे बड़ी बहन की आवाज़ है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। A few moments later. हर्ष आ गई है। हाय, फाइन बैठो। तुम बताओ तुम कैसे बैठो? मैं भी ठीक हूँ। और दीदी क्या बात है, कमाल फाल बन के आ रही हो बिल्कुल ही? बस कहीं गई हुई थी यार, फ्रेंड की पार्टी। पार्टी में? बरसा बोलते करो मेरे साथ कि पार्टी वार्टी कर ले किसी गरीब के साथ में। छोड़ो उसे और तुम बताओ कैसे चल रही है तुम्हारी वीडियोस वगैरह? वीडियोस वगैरह सही चल रही है दीदी, बस वर्षा की डिमांड ज़्यादा आ रही है। उनने कहा है मुझसे बिजी है अभी, पहले क्या है नहीं है उसका। हाँ, तो ना मना कर रखा है इस टाइम मुझे। सब मजे में, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा दीदी एक बात बताओ। अरे इतनी कमाल लग रही है, बॉयफ्रेंड वर्लफ्रेंड छोड़ सा गया कि इतनी यार दूसरे की तलाश में घूम रही हूँ। बॉयफ्रेंड तो ठीक है। सही में बताऊँ दीदी, तो मुझे पहले मिली होती ना तुम मुझे पहले मिली होती ना तो मैं तुम्हें ऑफर मार देता। नहीं तो मुझे ऑफर नहीं मार सकती ना। अब नहीं मार सकता ना, अब तो है। अच्छा हो, बहुत क्यूट दीदी आप, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। देख लो कभी हम दोनों का कुछ है। क्यों, कुछ पानी वानी मंगाऊँ क्या? पानी पी, बस अभी बस पीकर ही आई हूं, बता रहा हूं पार्टी में, पार्टी से आ रही हूं। मैं तो पार्टी पानी पिया था या बियर पीती? पानी पीती यार, मैं बियर पीती। यार बाबा बताओ, बरसा मेरे कॉल वॉल नहीं उठा रही, क्या बात है? मैसेज रिप्लाई दे रही है, इतना बिजी हो रही है। यार वही बात करने चाह रही थी, मिलना तुमसे ना, इसीलिए मिलना चाहती थी। एक्चुअली क्या है ना कि वर्षा अपनी स्टडी के लिए थोड़ा बाहर जा रही है। तो क्या कर, बात नहीं कर सकती? तो उसमें क्या है, बाहर जा रही हो तो बाहर जाने से बात करने में क्या है, वो तो बात कर सकती है ना। उसको अपनी स्टडी पे फोकस करना है ना, तो वो कहीं और ध्यान नहीं लगा सकती। तो कहीं और ध्यान तो पहले सोचा था उसने। दीदी मजाक कर रही हो, मजाक के मूड में आई हो क्या मेरे साथ ही? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, मजाक वाली बात नहीं। तो दीदी बात बताओ, बाहर जा रही है तो मैं परेशान होना करूँगा कॉल करके, वो जब फ्री होगी जब मुझे मैसेज कर लेगी। यार बात फ्री क्यों होती, बंदे का माइंड डाइवर्ट होता रहता है ना अगर वो कहीं और दिमाग लगा। और डैडी चाहते हैं कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, स्टडी पे फोकस करे। अच्छा नहीं दीदी ये बात तो नहीं है, फिर कुछ और बात है, क्योंकि स्टडी पे वो छोड़ नहीं सकती है मुझे। क्योंकि दीदी देखो प्यार तो मैं करता हूँ उससे, और मैंने बोल भी रखा है कि मैं प्यार तो उससे ही करता हूँ। यार मैं तुम्हें सही बताऊँ तो उसकी मैरिज होने वाली है। आप तो पक्का मजाक कर रही हो, सच में ही मजाक के मूड में आई हो? मैं बिल्कुल सीरियसली वर्षा तुमसे इसीलिए बात नहीं कर रही है क्योंकि वो तुम्हें फेस नहीं कर सकती। वर्षा ने तुमसे बोल दिया बस। यार पता नहीं मुझे मजाक लग रहा है। अरे तुमने भी तो प्रैंक प्रैंक चालू नहीं कर दिया, प्रैंक प्रैंक कर दियो। नहीं मैं क्यों प्रैंक करूँगी, मैं कोई प्रैंक प्रैंक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। वर्षा की मैरिज हो रही है और वो दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो जाएगी आपको, इसलिए अब तुमसे बात नहीं करना। बात और उसे करनी भी नहीं चाहिए, अब उसकी लाइफ कहीं और सेटल हो रही है तो तुमसे बात करके क्या करेगी? देखो जो भी था जैसे भी था, तुम अपने वीडियोस पे ध्यान दो, अपनी लाइफ। तो दीदी वीडियोस में ध्यान दूंगा, मैंने करा किसके लिए? मैंने इसके लिए तो किया सब कुछ ही है कि वर्षा से मैं आगे तक अपना रखूँगा। यार यार देखो ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब उसकी शादी हो रही है तो वो डैडी को मना तो कर नहीं सकती है,
अब जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कर दिया, मैरिज फिक्स हो चुकी है, अगर नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती, बट अब शादी वगैरह सब फिक्स हो चुकी है। तो कहा था तुम्हारी हेल्प करूँगी पूरी। हाँ मैंने कहा था, मैंने अपने नान को जितना भी हो सकता था मैंने पूरी ट्राई किया, पूरी कोशिश करी कि मान जाए, पर डैडी नहीं सुन। हमने उन्हें बताया भी कि वो किसी और को पसंद करते हैं, पर उन्होंने बोला कि मैंने कमिटमेंट कर दिया है तो कर, अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। यार दीदी देखो सही में ही मैं ऐसा है कि देखो मेरा है ना उससे थोड़ा ना प्यार सा होने लगा है वर्षा से, ठीक है। लोग बाग इतनी डिमांड कर रहे हैं वीडियो की, अगली वीडियो लेके आओ, अगली वीडियो लेके आओ। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। दीदी देखो प्यार की बात नहीं है ये बात, खुद बहुत परेशान है, दो तीन दिन उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, और अब मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा से डिप्रेस्ड हो जाए, क्योंकि जो तुम बता रहे हो 10-12 दिन से वो तुमसे बात नहीं कर रही है, उसमें उसने 5-6 दिन बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, बोलती नहीं थी। मैंने उसका ब्रेन बहुत मुश्किल से वॉश किया है, अब वो थोड़ा सा ठीक हुई है, तो तुम, मैं चाहती थी तुम अब उससे कोई कॉन्टैक्ट ना लो, क्योंकि तुम फिर से उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो वो फिर से डिप्रेस हो जाएगी। देखो तुम्हें प्रॉब्लम है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम बहुत डिप्रेस हो जाओगे, तुम उससे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करती है, ऐसा नहीं है। तो प्यार करते तो वो सामने आ गए, सबसे बोले हैं, सबके सामने बोले प्यार करती हूँ मैं उससे, सबके सामने बोले कि यार ये छुप के पीछे बोलना तुम्हें भेजना, तो यार तुम मेरा साथ, मेरे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मेरे लगा हाँ दीदी मेरे साथ है, हट दीदी मेरे साथ, मेरे को टेंशन नहीं है, दीदी मेरे साथ है। चाहती थी बट मैंने उसे मना किया कि यार तू मत जा, मैं खुद समझा दूँगी। तो मुझे ये समझाने, ये समझाने वाली बात है यार, समझाने वाली बात है तुम्हारे कोई नहीं हुआ। मैंने कभी उसको इसलिए फोर्स नहीं किया मिलने के लिए कि देखो इतनी कमेंट आई वीडियो पे, इतनी कमेंट आती है, मैं उसको सारी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ देखो वर्षा इतनी कमेंट आ रही है तुम्हारे ऊपर, मैंने कभी फोर्स नहीं किया। बंदी बोलती है बिजी हूँ तो ठीक है बिजी रहो, कोई दिक्कत नहीं है बात की, यार कोई वो थोड़ी ना यार वीडियो आज कल बन जाएगी, बिजी रहती है, मैं पब्लिक को मैं संभाल लूँ जब से कि चलो ठीक है आज नहीं हुआ, मेरे अच्छे इतने अच्छे फैन है कि यार चलो कुछ बोलते भी नहीं है। यार वो तुम्हारी पूरी हेल्प करना चाहती है तुम्हारे चैनल को ग्रो करवाने के लिए, बट अब देखो उसकी शादी हो जाएगी तो ये सब अच्छा नहीं लगता है ना, वीडियोस वगैरह बनाना एंड ऑल। यार दीदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाकी तुम्हारे सपोर्ट में मैं हूँ पूरी तरह, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी, तुम्हारे चैनल ग्रो करवाऊँगी, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरी हेल्प ले सकते हो। दीदी इतने बोल दिया बहुत है इसके लिए, बाकी ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, उसने तुम्हें तो दीदी एक काम करना, उसकी भी थोड़ी सी मजबूरियां है, एक काम करना मेरी बार बात करवा देना जाकर बस। अच्छा चलो मैं देखती हूँ करवाऊंगी, ठीक है। आप कहाँ जा रही हो आप? अब मैं घर जाऊँगी यहाँ से, तो ड्रॉप कर दो या? नहीं मैं चल रही हूँ, बाय दीदी बाय। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा, उनको फिकर थी मेरी, कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। पूछा जाता है यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है, वफा ने बेवफाई बेवफाई। हर्षी को ला रही मेरे पापा पर, क्या सीन हो गया? ए? हाँ बोलेगा कुछ? क्या बोलूं भाई, भाई हुआ क्या, कैसे परेशान बैठा है? मैं भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो हुआ क्या बोलेगा? तो मैं तुम्हें बताया था रात में कि उसका कॉल आ रहा मेरे पास। किसका? बरदा की बहन का। अच्छा फिर? तो उन्होंने कहा था मिलना है, उन्होंने बात करनी, मैं तुम्हें बताया था रात में कि मैं प्रैंक वैंक करूँगा उस पर। अच्छा तो तुम आ जाना जल्दी टीपी। हाँ मिलने आई बहन, तुम्हें प्रैंक करूँगा, उन्होंने मेरे को कर दिया उल्टा भेज। मतलब क्या वो भी, मतलब उसने भी प्रैंक वैंक नहीं, उन्होंने रियल में बोल दिया कि वर्षा नहीं मिल गया, अच्छी बात, शादी वादी हो रही है उसकी। क्या हो गया? वो तो कहती कि मैं आऊँगी संडे जो भी है। अरे मुझे तो यही तो नहीं पता है यार सीन, उसका तो नहीं पता मुझे भाई, मुझे क्या करूँ मैं, तुम बताओ यार, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा भाई। तू टेंशन मत ले, तेरे उससे भी अच्छी लड़की होगा तू। क्या हुआ अब, कैमरा मैं सब बंद कर दिया, तूने कहाँ है कैमरा, कहाँ लाया कैमरा? हर्ष के हर्ष भाई, हर्ष कैमरा बंद कर यार, बंद कर, चला तू कुछ खा पी के चल, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना।
गाइस देख लो उसके साथ क्या हो चुका है, आप मुझे बताओ क्या किया जाए। मैं तो इससे कह रहा हूँ कि समझ जाए थोड़ा, सुधर जा। देखो उसने भी अच्छा नहीं करा, आप काफ़ी समय से कोई ऐसी वीडियो नहीं आया, पर आज आपके सामने रीज़न आ चुका है, ठीक है। और लोंडा परेशान है यार, थोड़ा सपोर्ट करो, जो करना है कर देना, ठीक है। और बताओ यार बंदे को इससे अच्छी लड़की मिल जाए। हमारा भाई स्मार्ट हुए हंस के दिखा, सामने देख, मैं ऊपर देख ले, देख रही है।